नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है होलोंगी एयरपोर्ट ईटानगर पर। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं गेदी मुगली जी, जिसने हमारे निसी समाज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, परंपरा है, आपको बता दूं कि जो निसी कल्चर बोलो या फिर जो कि अबोतानी क्लैन, जो हमारा जो कल्चर है, ये बहुत ही नेचर से जुड़ा हुआ है। और नेचर से जुड़ने का कारण हम यहाँ पर नेचर को पूछते हैं। जिस तरह से अबोतानी ने अपने जीवन में जितने भी जीव जंतु को अपना भाई भैया माना गया था, उसी तरह से हम भी यहाँ के जो क्लैन है, क्लैन वासी है, वो भी अपने जितने भी ट्रेडिशन और जितने भी उसको भूलते जा रहे हैं। मतलब कि आपको कोई अवार्ड मिला है, उसका अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम है गेदी मुगली, मैं कमले डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले बिफोर क्रिएशन ऑफ कमले डिस्ट्रिक्ट, हम अपर सुबनसिरी में था। अभी तो हम कमले डिस्ट्रिक्ट का है और मैं मुरू मुगली बस्ती, मेरा नेटिव विलेज है मुरू मुगली विलेज। जैसे कि हमने सुना कि आपने जो इंडिजिनियस फैक्ट एंड कल्चर में बहुत काम किया है, जो अभी आपको अवार्ड मिला है, उसका बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और ये कहाँ मिला है। अवार्ड जो है ग्लोबल इंस्पिरेशन आइकॉन अवार्ड है ना, ये हम नई दिल्ली से मिला है, भारत का राजधानी से। और रेडिसन होटल, फाइव स्टार होटल में हमको ये अवार्ड दिया गया है और इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। मैं धोनी पोलो, सूर्य और चंद्रमा जो इसी को मानता है, अपना भगवान सोचता है, उसके लिए भी मैं बहुत काम किया हूँ। मैं इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का AGS बना है। धोनी पोलो फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हम वाइस प्रेसिडेंट बना है। और हम अपर सुबनसिरी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट बना है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट GS बना है। उसमें हम सेंट्रल नामलो भी बनाया था। सेंट्रल नामलो मैंने जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो नामलो बनाता है, तो उसमें हम मैं कुछ ये स्पिरिचुअल सॉन्ग, जो हीलिंग सॉन्ग, जो प्रेयर सॉन्ग है, उसका मैं कुछ लिरिक्स भी हूँ, सिंगर भी हूँ। मैं कुछ एल्बम भी बनाया था, एल्बम का मैं कुछ डायरेक्टर था। मैं ऐसे कर करके इंडिजिनस पेथ इन कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी मैं बहुत काम किया है। और निसी समाज में, निसी इलीट सोसाइटी नेस में हम अपर सुबनसिरी जिले के नेस जॉइंट सेक्रेटरी था। और अपना क्षेत्र में गेपिन और पूछे को सर्कल का चेयरमैन था और मैं CBO मेंबर भी था। इसलिए मैं एजुकेशन को इन द एजुकेशन कम्युनिटी में भी मैं लीडर था, रिलीजन में भी लीडर था। लीडर मैंने उसका काम करते आया है और नेस में भी निसी इलीट सोसाइटी का, अपने निसी समाज के लिए काम भी किया है। जैसे कि इंडिजिनस पेट एंड सोसाइटी बोलते हैं, तो हमारा जो अभी इंडिजिनस कल्चर है या फिर बोलो भाषा है, ये सब खोते जा रहा है, क्योंकि अभी नया जनरेशन जो मॉडर्नाइज हो रहा है और ज़्यादातर इंग्लिश या हिंदी का यूज़ करता है ज़्यादातर, तो उसका ऊपर में आप क्या कमेंट करना चाहिए? ना, उसमें समझना है कि हम जो अपना ओरिजिन है ना, ओरिजिन को कभी गायब नहीं कराना है। जैसे कि लता जी गाना गाया, मोहम्मद रफ़ी जी गाना गाया, वो गाना लोग को सुनने से हम लोग ओल्ड इज अ गोल्ड बोलता है, कभी गाना सुनने से भी नहीं थक जाता है। तो हम अपना भाषा को कभी नहीं खोना है, अपना डायलेक्ट को, अपना रीति रिवाज को कभी कभी गायब होने नहीं देना है। जैसे कि एक बार अपना समय में, एक समय में ऐसे कुछ बात था, लोकल ऑर्नामेंट्स काम नहीं आएगा, शादी उदी काम नहीं आएगा, वो जितना जो लोकल दाव होता है, लोकल माला होता है, वो लोग काम नहीं आएगा, इट विल बी यूजलेस, कोई ऐसे बोल रहा था। लेकिन अभी देखा है तो वो सब चीज़ जो है इम्पोर्टेंट हो रहा है। जैसे कि आप एक ओल्ड ऑर्नामेंट्स रखेगा तो म्यूजियम में भी रख सकता है, तो इसमें हमारा जो शादी मैरिज क्या क्या हम लोग का मैरिज होता है ना, उसमें काम आता है। तो अपना भाषा को कभी नहीं खोना है। जैसे कि अभी देखो अरुणाचल में तो आप इंडिजिनस स्कूल भी खुला है, शायद पखी के संग ने सेप्पा में, और धोनी पोलो यूरको बोल के ना, धोनी पोलो यूरको स्कूल, धोनी पोलो यूरको नाम लो। अभी स्टेट में इतना
इम्पोर्टेंट हो रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी। पहले इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी का डिपार्टमेंट नहीं था, अभी तो डिपार्टमेंट है, तो हमारा मंत्री भी है, हमारा डायरेक्टर भी है, तो उसी में इसी का सहारा लेते हुए हम लोग इंडिजिनस जितना भाषा है, जितना प्रॉपर्टीज है, जितना ड्रेस है, ये देखिए, ये हम लोग इसको पोमो कोट बोलते हैं, तो ना दिस इज़ ए पोमो कोट एंड दिस इज पोमो मफलर, तो दिस इज इंडिजिनस कोट। तो हम जब रेडिशन उतर पाए बिस्तर उतर में ये एवर लेते वक्त हमको आदमी लोग बहुत पूछा था, आपका ये कपड़ा क्या है ना बोल के, हम बोले हम लोग का ये दिस इज आवर इंडिजिनस निशी कोट ना, तो ये तो कोई मशीन से नहीं बनाया, हमारा आदमी लोग हाथ से बनाया। इसलिए हम ये यूथ लोग को ये एडवाइस देना चाहता है कि अपना भाषा बोलना है, और जो जो मम्मी पापा है अपना बच्चों को भी इंडिजिनस अपना भाषा अपना डायलेक्ट में सिखाना है, जैसे कि मम्मी होगा ना उसको अन्य बोलना है, पिताजी होगा उसको अब बोलना है, और हम लोग का जैसे कि गलों में भी इससे कुछ अलग है, इसी में भी अलग है, कई तागिन में भी, जितना अपना अपना क्षेत्र का जो भाषा है उसको बोलना है। कि आप भी तानी क्लैन से और हम भी तानी क्लैन से है, तो हमारा जो ट्रेडिशन है ओरल है, ओरल से जो कहानी सुनते आया है, फोकटेल से सुनते आया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फोकटेल है वो तो बीच में लुप्त हो जाता है, तो अभी जो आप लोग क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ बनाने जा रहे हैं? हाँ ना, उसमें जैसे कि हमारा अपर सेवन, जैसे कि हमारा कैमरे में गामरी महाराज जी, वो भी कल ये अवार्ड मिला था, तो वही अभी किताब लिख रहा है फोकटेल्स का, अभी जैसे बोला है वो पोएम भी लिख रहा है अबोतेने का, और जैसे कि जब से टोनी कुयू सब इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने भी जितना जैसे अपना लैंग्वेज को जैसे यूज़ करना चाहिए, और तानी लिपि भी बनाया था, और बहुत कुछ मैंने जैसे हम लोग अपना लैंग्वेज को जैसे डेवलप करके ले जाना है वही उसी का समय में बहुत बनाया था। अभी भी तो क्या, अभी आपका हम लोग का किताब भी है, प्रेयर सॉन्ग भी वही किताब बनाया है, और जितना ये स्पिरिचुअल सॉन्ग है ना अभी भी हम पेन ड्राइव बना रहे हैं, जैसे कि नमनो नमनो में हमारा वो स्पिरिचुअल सॉन्ग हीलिंग सॉन्ग जो होता है ना, चैंटिंग का एक केसेस होगा, और प्रेयर सॉन्ग का एक केसेस होगा, ये सब तो कभी लुप्त नहीं होगा, ये उल्टा बढ़ते जाएगा। आपको आगे क्या उम्मीद है कि जो यंग जनरेशन है जो अपना ट्रेडिशन फॉलो करेंगे बोल के? ये हम यही आशा करता है कि जितना भी यंग जनरेशन है वो लोग, जैसे हम आज 25% काम किया है, उन लोग 100% काम करना है, 80% काम करके 100% उतना है, तो आजकल हम यही सोचता है कि हमको सर्विस करना है, हमको ये करना है, हमको फैक्ट्री में कहाँ में काम करना है, ये सिर्फ निश्चित नहीं, इंडिजिनस अपना जितना भी रीति रिवाज है उसके उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए जितना भी युवा है, मैंने कोई कोई तो समाज सेवक बनना है ना, जो कोई कोई तो समाज सेवक बनना है, सब ऑफिसर नहीं बनेगा, सब मिनिस्टर नहीं बनेगा, सब MLA नहीं बनेगा, तो ये मेरा ये जितना भी यूथ्स है मेरा तरफ से ये मैसेज है कि हम लोग इंडिजिनस का जितना लैंग्वेज है, जितना पोक सॉन्ग है, जितना पोक टेल्स है, जितना ऑर्नामेंट्स है, ये सबको प्रिजर्व करके रखना है, ताकि कल को आने वाला दिन में तो जितना भी हमारा यूथ आता है, छोटा छोटा यूथ आता है, छोटा छोटा बेटा आता है, बेटी आता है, उन लोग भी उसको देख करके उन लोग का मन में भी यही विचार, यही सोचना है कि इंडिजिनस चीज़ को हम कभी लुप्त होने नहीं देना चाहिए, और उसमें मैं गोलगी बोते को, हम गोलगी बोते जो है मेरा भगवान है, तलुम रुबो को हम लोग गोलगी बोते बोलता है, और तलुम रुबो को याद करते हुए बोमेरिंग दोनी पोलो, हमारा कमरे में कुंभरे दोनी नम, कुंभरे पोलो नम, तुरा लक्का आन दोनी नो, तुरा लक्का अबो पोलो नम।